दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजलाल किलका आज हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। राजस्थान के किले, राजस्थान के जो दुर्ग हैं ये किले हैं उनको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सुकर नीति में जो राज्य के जो 7 अंग बताए गए हैं उनमें से जो एक अंग बताया गया वो भी किले को बताया गया, यानी दुर्ग को या किले को एक अंग बताया गया है। सुकर नीति में जो किलों के प्रकार बताए गए हैं वो प्रकार बताए गए हैं 9 प्रकार के किले बताए गए हैं। तो उन किलों का जब अध्ययन करेंगे आज तो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस प्रकार के किले होते हैं। तो चलिए पहले नंबर पे मैं बात कर लेता हूँ। जो पहले नंबर पे मैं किला लूँगा वो है एरन दुर्ग, बोलते हैं जिन्हें एरन दुर्ग। ये क्या कौन से प्रकार के दुर्ग होते हैं? ऐसा दुर्ग जिसकी सुरक्षा हेतु चारों ओर खाई हो, कांटे हो या पत्थरों से जिसके मार्ग दुर्गम बने हो, यानी खाई बनी हो, कांटे हो, पत्थर हो, इन चारों ओर से इनके जो मार्ग हैं वो दुर्गम हो यानी कठिन हो, इस प्रकार के दुर्ग किस श्रेणी में रखे गए हैं? एरण दुर्ग की श्रेणी में। चलिए दूसरे नंबर की दुर्ग की बात कर लेते हैं। वो दूसरे नंबर के दुर्ग का नाम है पारिक दुर्ग। ठीक है, पारिक दुर्ग की क्या विशेषता है? जिसके चारों ओर खाइयां बनी हो, यानी जिसके चारों ओर खाई बनी हो वो पारिक दुर्ग की श्रेणी में पाए जाते हैं। तीसरे नंबर की दुर्ग की बात कर लेते हैं, वो है गिरी दुर्ग। ठीक है, यानी किसी पहाड़ी, गिरी गिरी का अर्थ है पहाड़ी या पर्वत की चोटी पर बना हुआ किला, इस श्रेणी के अंदर गिरी दुर्ग के अंदर रखा जाता है। जैसे कि मेहरानगढ़ है, जोधपुर का किला है मेहरानगढ़, उसको बोलते हैं गिरी, यानी पर्वत या पहाड़ी के ऊंचाई पर जो किला बसा हुआ उसे बोलते हैं गिरी दुर्ग। और जो चौथे नंबर की श्रेणी में ले लेता हूँ वो है जल दुर्ग। जल दुर्ग यानी आपको नाम से पता चल रहा है जैसे कि चारों ओर जल से भरा हो, जैसे कि गागरौन का किला। पांचवें नंबर पे मैं बात कर लेता हूँ दुर्ग की श्रेणी में, अपन बात कर रहे हैं पांचवें नंबर की श्रेणी है धानवन दुर्ग। चारों ओर जिसके रेतीला मरुस्थल हो, यानी मरुस्थल, इस दुर्ग की श्रेणी में इनको रखा जाएंगे। जैसे मरुस्थल में पाए जाने वाला एक किला मैं आपको बता देता हूँ, जैसलमेर का किला। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं जो छठे नंबर पर है वो है पारी दुर्ग। ठीक है, इन पारिक दुर्ग की क्या विशेषता है? इसे माही दुर्ग के नाम से जाना जाता है, इसका एक दूसरा नाम भी है माही दुर्ग। ठीक है, और ऐसा दुर्ग जिसकी सुरक्षा हेतु चारों ओर बड़े बड़े परकोटे का निर्माण किया गया हो, यानी चारों ओर परकोटे का निर्माण किया गया हो जिसकी सुरक्षा हेतु, वो इस श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। और इसी का उदाहरण भी एक मैं आपको दे रहा हूँ, वो है जैसलमेर का किला। उसके बाद में सातवें नंबर की दुर्ग की बात कर लेते हैं, वो है सैन्य दुर्ग। ठीक है, राजस्थान के सभी दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं, अर्थात व्यूह रचना में चतुर्युगों से व्याप्त होने के कारण ये अभेद्य है, यानी राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं वो सैन्य दुर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी ये चतुर्युगों से व्याप्त होने से ये जो अभेद्य हो उन दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद में जो आठवें दुर्ग की बात कर लेते हैं वो है वन दुर्ग, यानी चारों ओर कांटेदार वृक्षों का समूह होता है, यानी वन के अंदर यानी जंगलों के अंतर्गत पाया जाने वाला ये दुर्ग है, ये वन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। चलिए नौवें नंबर की बात कर लेते हैं, वो है सहाय दुर्ग। ठीक है, जिसमें सूर एवं सदा अनुकूल रहने वाले जो बांधव लोग रहते हैं उन्हें सहाय दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और राजस्थान का एक भी दुर्ग ऐसा नहीं है जो इस श्रेणी के अंतर्गत आए। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो 9 प्रकार हैं दुर्गों के वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर कई कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से जैसलमेर का किला है तो उसमें ऑप्शन दे देंगे आपको एरन दुर्ग, पारिक दुर्ग और धानवन दुर्ग, तो आप उनमें से टिक करके सही कर सकते हो। तो आपको ये 9 प्रकार आपको याद होने चाहिए। चलिए बाद में बात करेंगे, जो राजस्थान का जो पहला किला आज पढ़ेंगे वो है चित्तौड़गढ़ का किला। बहुत ही ऐतिहासिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट किला है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस किले को अपन ध्यान से और जितनी भी इसमें खास खास बातें हैं वो सारी अपन पढ़ेंगे आज। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इस दुर्ग की। इसमें
इसकी जो आकृति बताई गई है वो व्हेल मछली होती है ना, व्हेल मछली के समान बताई गई है। उसके अलावा इसकी जो एक और विशेषता की बात कर लेता हूँ, ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, ठीक है। और राजस्थान का जो सेकेंड नंबर लिविंग फोर्ट है वो जैसलमेर को, जब जैसलमेर का किला पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। चलिए मैंने दो आपको बता दी, उसके बाद में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ के किले की, वो है कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, यानी गढ़ है वो चित्तौड़ ही है बाकी सब तो ऐसे ही हैं। चलिए उसके बाद में इसका दूसरा नाम है वो है, इसको राजस्थान का गौरव कहते हैं। ये चित्तौड़गढ़ के किले की भूमिका बना रहे हैं अपन, राजस्थान का गौरव। और उसके अलावा इसको कहते हैं सिरमौर भी कहा जाता है, किलों का सिरमौर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि राजस्थान के किले को राजस्थान का गौरव है और किलों का सिरमौर है। उसके बाद में अपन इसकी बात करेंगे, ये जो किला है ये जो गंभीर व बेड़च नदियों के संगम स्थल पर, गंभीर व बेड़च नदियों के संगम स्थल के निकट जो अरावली पर्वतमाला का एक विशाल पर्वत शिखर पर ये चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। तो आपको ये इसकी मैंने स्थिति बता दी कि गंभीर व बेड़च नदियों के संगम स्थल पर अरावली पर्वतमाला की एक पर्वत चोटी है, वहां पर ये चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से ये है 8 किलोमीटर चौड़, 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा। ये मैंने आपको बेसिक सी जानकारी ऐसे दे दी। इसके अलावा इसकी जो किसने बनवाया था उसकी बात करेंगे। ये चित्तौड़गढ़ का किला है वो इतिहास बताता है कि जो मौर्य राजा था चित्रांग, चित्रांग भी बोल सकते हैं और इसमें इतिहास में चित्रांगद भी बोला गया, तो आप इन दोनों नाम एक ही हैं तो आप कंफ्यूज मत होना। मौर्य राजा था चित्रांग और चित्रांगद ने ये बनवाया था। इसकी जो प्रमाण है वो अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं कि ये चित्तौड़ का किला ये चित्रांगद ने बनाया था, तो जो कुमार परबंद थी और पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा हैं, वीर विनोद यानी ओझा, वीर विनोद, कुमार प्रबंध आदि के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण है वो राजा चित्रांग, और राजा इसको चित्रांगद भी बोलते हैं, इसी ने ही करवाया था। तो अपने वो प्रमाण प्राप्त होते हैं कि ये इसी के द्वारा बनवाया गया है। चलिए इसके इतिहास की बात करते हैं। इसके इतिहास में मैं आपको बेसिक सी जानकारी, मैंने आपको जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको इसके बारे में बहुत सारा बताया था। आप चाहो तो मेवाड़ के जो इतिहास के वीडियो हैं मेरे, उसमें से वीडियो सेक्शन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था मान मौर्य से 8वीं शताब्दी के अंत में छीना था किसने, बप्पा रावल ने। और बप्पा रावल कौन था, गुहिल वंश का संस्थापक था। ये किससे छीना था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था मान मौर्य, मान मौर्य से छीना बप्पा रावल ने। उसके बाद में 10वीं शताब्दी के अंत में जो परमार शासक थे, परमार शासक मुंज ने अधिकार कर लिया इस पर, यानी इस मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि इस जो चित्तौड़गढ़ का किला है इस पर किस किस का अधिकार आया था। तो पहले मान मौर्य से छीनकर बप्पा रावल, फिर 10वीं शताब्दी के आसपास, 10वीं शताब्दी के आसपास जो मालवा के परमार थे मुंज, उन्होंने अधिकार कर लिया। उसके बाद में जो 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो गुजरात के चालुक्य शासक थे जयसिंह सिद्धराज, उनके अधीन चला गया ये। फिर उसके बाद में 12वीं शताब्दी में पुनः इन पर, इस किले पर किसका अधिकार हो गया, गोइलों का, ठीक है। उसके बाद में जो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने, मैंने आपको बताया था उस टाइम 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था और इसका नाम खिजराबाद रख दिया था अपने बेटे के नाम पर। तो 1326 में वापिस, 1303 में इसने अधिकार कर लिया, फिर 1326 में वापिस किसने कर लिया, जो सिसोदिया का राणा हमीर था, हमीर, उसने चित्तौड़ पर पुनः जो गुहिल सिसोदिया वंश को प्रतिस्थापित कर दिया। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ 1568 से लेकर 1615 ईस्वी तक ये मुगलों के अधिकार में रहा था, मुगलों के अधिकार में। फिर उसके बाद में मुगलों से ये वापस 1615 में, अपन ने एक पढ़ी थी मेवाड़ मुगल संधि,
1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप ये वापिस किसको प्राप्त हो गया? गुइल वंश को। ठीक है, तो ये था कुछ इतिहास, कि इतिहास ये बताता है कि ये किला पहले मानवोरी, मानवोर से बप्पा रावल ने छीना, फिर परमार शासक मुंज ने, फिर जय सिंह ने, फिर उसके बाद में 1303 में ये फिर गुइलों का हो गया, फिर 1300 में खिलजी आया, फिर अमीर आया, अमीर ने 1600 जो 68 से 1615 तक मुगलों का इस पर अधिकार रहा, फिर वापस मुगलों से ये छीना। तो ये किला दर बदर ठोकरे खाता हुआ वापिस किसको, लास्ट में किसको मिला? गुइल वंश को वापिस प्राप्त हो गया। और चित्तौड़गढ़ के किले की एक खासियत और है, इसमें कितने साके हुए थे? तीन साके इसमें हुए थे, जिसकी मैंने विशेष तौर से बात, मैंने जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया था उसी टाइम बता दिया था, लेकिन आपको एक बार फिर यहाँ पर बता देता हूँ कि जो पहला साका हुआ था वो हुआ था 1303 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और इधर थे रतन सिंह, तो रतन सिंह मारे गए थे और पद्मनी ने वहां पर जोहर कर लिया था। उसके बाद में जो सेकंड साका, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखना, सेकंड साका हुआ था वो हुआ था 1534 ईस्वी में। ये हुआ था जो गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह। ठीक है, एक तो ये थे, और उसके अलावा सामने थे जो अल्पवयस्क अवस्था में थे महाराणा विक्रमादित्य। ये अल्प ऐसा अवस्था में थे, इसके जो सेनापति थे वो गोरा बादल थे, तो आप ध्यान रखना। ये भी इसमें जब यहाँ पर जिस किसने जोर किया था? रानी कर्मावती या कर्मणवती। ठीक है, ये सेकंड शाखा हो गया। उसके बाद में थर्ड शाखा की बात कर लेते हैं, वो हुआ था 1568 ईस्वी में, और ये हुआ था अकबर और उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, तो उसमें जो जयमल व फत्ता मारे गए थे, जब मैंने डिटेल से आपको उस टाइम बताया था, जयमल व फत्ता मारे गए थे, इनकी जो पत्नियां थी उन्होंने जोर किया था, तो ये थर्ड शाखा चित्तौड़गढ़ के किले का माना जाता। तो ये तीन शाखे हैं, इसमें ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। उसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ चित्तौड़गढ़ के अन्य विशेषताओं की, चित्तौड़गढ़ के किले की अन्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ के जो प्रवेश द्वार हैं वो सात प्रवेश द्वार बताए गए हैं। पहले प्रवेश द्वार का नाम मैं आपको बता देता हूँ, पाडन पोल, और अंतिम जो है वो है राम पोल। ठीक है, ये सातवें हैं, ये पहली है। चलिए मैं बीच के वाले के नाम बता देता हूँ, जो सेकेंड नंबर पर है वो उसे भैरव पोल बोलते हैं, थर्ड हनुमान पोल, चौथी गणेश पोल, पांचवी जोड़ला पोल, और छठी लक्ष्मण पोल, और सातवीं राम पोल। अब जो एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि जो सेकंड नंबर पर है भैरव पोल और थर्ड नंबर पर हनुमान पोल, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो जयमल फत्ता और जो कल्ला राठौड़ थे यहाँ पर, ये शहीद हुए थे, ये मारे गए थे, इनकी जो मूर्तियाँ बनी हुई है, ये इनकी जो छतरियां बनी हुई है, इन दोनों के बीच में बनी हुई है, इन दोनों गेट के बीच में बनी हुई, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जो चित्तौड़गढ़ के किले की खासियत है वो है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, मैंने आपको उस टाइम भी डिटेल से बताया था, यहाँ पर एक बार फिर बता देता हूँ। जो अपन किले की सिर्फ विशेषताएं पढ़ रहे हैं, किले में क्या क्या है वो पढ़ रहे हैं ताकि आपको याद रहे। इसमें विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था वो कुंभा ने करवाया था। उसके अलावा इस विजय स्तंभ को क्या बोलते हैं? भारतीय जो मूर्तिकला का विश्वकोश कहा गया है। उसके अलावा दुर्ग के अंदर है एक फतेह प्रकाश महल है, फतेह प्रकाश महल, इसको हाल फिलहाल में संग्रहालय बना दिया गया है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। उसके अलावा इसमें क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा इसमें है एक तो रानी पद्मिनी महल, मीराबाई का मंदिर, इसमें बताते हैं कि मीराबाई का जो मंदिर है उसमें कोई मूर्ति नहीं है, और मीराबाई के मंदिर के आगे निकलते ही संत रैदास की एक मंदिर मूर्ति है, वहां पर मंदिर है। चलिए मीराबाई का मंदिर, उसके बाद में इसमें है वो कालिका माता का मंदिर। ठीक है, उसके बाद में श्रृंगार चौरी मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को दोस्तों, श्रृंगार चौरी मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था मैं आपको बताऊंगा। कुंभा के जो जैन मंत्री थे विलोक, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ, जैन मंत्री विलोक, आप मेरे उस मेवाड़ के इतिहास की वीडियो देखोगे तब आपको जो भी जितने भी किले आएंगे मेवाड़ के, जितने भी किले हैं उनका मैंने वर्णन वहीं कर दिया है,
तो जैन मंत्री विलोक ने इसके द्वारा निर्माण कराया है। उसके अलावा इसमें है वो है कुंभ श्याम मंदिर, और समिधेश्वर मंदिर, और जो अंत में इंपॉर्टेंट लगा मेरे को वो है नवलखा महल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा, कहीं ना कहीं आएगा। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनवीर के द्वारा बनवाया गया था। चलिए, ये है इसके अंदर जो प्रमुख पर्यटन स्थल, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं अपन। तो अगर आप कहीं घूमने का मन हो तो मैं आपको ये राय दूंगा कि चित्तौड़गढ़ का किला एक नंबर का घूमने के हिसाब से बहुत ही बेस्ट आपके लिए साबित होगा। चलिए दोस्तों, ये था चित्तौड़गढ़ का किला। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन नेक्स्ट किलों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे। आज तो मैंने जब 9 दुर्गों के प्रकार बताए थे उसकी वजह से टाइम लग गया। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, और नीचे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमेशा आसपास सफाई रखें। धन्यवाद दोस्तों।